But joining us now is Mr. Raghubar Das, former Jharkhand Chief Minister, BJP leader. थैंक यू फॉर योर टाइम रघुबर दास जी. आपने ये विजुअल्स तो देखे होंगे, सारे यूपी एमएलएज लतारू में बोटिंग कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, बहुत सेल्फीज ले रहे हैं. दिस इज क्लियरली अ मैसेज दैट द गवर्नमेंट, मिस्टर सोरेन्स गवर्नमेंट एंड हिज एलाइज आर सेंडिंग आउट टू द बीजेपी. वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी की जो चाल है, जो प्लॉय है यहाँ पे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज एज यू कैन सी फ्रॉम दीज पिक्चर्स, वो कह रहे हैं कि दे आर यूनाइटेड. देखिए, पूरी झारखंड में आज लोग तरस्त है इस सरकार से. जिस तरह जल जंगल जमीन के नाम पर, अबुआ राज के नाम पर राज की जनता ने बड़ी आशा से सरकार का गठन की थी, लेकिन सरकार गठन के बाद से इस राज की जल जंगल जमीन और खनिज संपदा को जिस प्रकार सिंडिकेट और बिचौलियों के हवाले की, और न सिर्फ सिंडिकेट बिचौलिए बल्कि अपने परिवार, अपने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी लीज लेते हैं, अपनी पत्नी को लीज देते हैं, अपने प्रेस सलाहकार को लीज देते हैं, अपने विधायक प्रतिनिधि को लीज देते हैं. तो यहाँ देश में लोकतंत्र, ये परिवार तंत्र और राजतंत्र नहीं है कि एक राजतंत्र में राजा जो भी करे और प्रजा कुछ ना बने. तो जब ये बातें हमारी ध्यान में आई तो हम लोग ने महामहिम राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल 11 फरवरी को मिलकर इन सारी बातों से अवगत कराई. और चीफ इलेक्शन कमीशन जो एक्ट कहता है कि गवर्नर चीफ इलेक्शन कमीशन से एडवाइस लेकर ही इस पर कोई एक्शन ले सकता है. चीफ इलेक्शन कमीशन ने 4.5-5 महीने बीजेपी का भी पक्ष को, सरकार के भी पक्ष को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी पक्ष को, और सेल्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी पक्ष सुनकर कुछ ऑब्जर्वेशन करके गवर्नर को दी. और हम लोग इंतजार कर रहे हैं गवर्नर का क्या निर्णय होता. सब लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं सर. जी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं सर. आप कह रहे हो इंतजार कर रहे हो कि गवर्नर क्या एक्शन लेगी, क्या कहेगी. व्हाट वी डोंट नो व्हाट्स इन द कंटेंट्स, वो लेटर की कंटेंट्स क्या है वी डोंट नो. बट सर, मेनी आर पॉइंटिंग आउट कि बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे, बीजेपी एमपी फ्रॉम झारखंड, उनको शायद पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो ट्वीट कर रहे हैं बहुत दिनों से कि नोबडी नोज व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू. बट वो ट्वीट कर रहे थे कि देयर विल बी दिस क्राइसिस इन द स्टेट, इट विल बी रिजॉल्व बिफोर ऑगस्ट एंड. तो मैंने पूछ रहे हैं कि व्हाई इज दिस, कि जैसे आप कह रहे हो हम सब वेट कर रहे हैं, बट एक्सेप्ट दिस यू नो बीजेपी एमएलए सीम टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड ऑब्वियसली ऑपोजिशन पूछ रही है कि इसमें बीजेपी की हाथ क्या है. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट मिस्टर दुबे हैज बीन ट्वीटिंग अबाउट डेवलपमेंट्स इन द स्टेट. देखिए, बीजेपी आप इस तरह ना देखे कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर हम मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं. अगर आरोप में दम है तो सजा मिलनी चाहिए. और जहां तक सांसद निशिकांत दुबे जी की, तो कहीं ना कहीं यूपीए में जो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हो चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, सत्ता के 6 महीने के बाद इस सारे एमएलए हेमंत सोरेन की सरकार से नाराज थे. यहां तक कि उनकी भाभी श्रीमती सीता सोरेन जो जामा से विधायिका है, वो बार बार ट्वीट कर रही थी कि जल जंगल जमीन की लूट हो रही. उनका एक सीनियर एमएलए लोबिन सोरेन जो साहेबगंज से, जहां मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि अवैध पत्थर का खनन कर बांग्लादेश भेज रहे थे, जिसमें अभी वो जेल में है. तो इस तरह कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, वही फीडबैक हो सकता है सांसद जी को दे रहे होंगे और सांसद जी ये बात सार्वजनिक कर रहे हैं. लेकिन हम जो देखकर झारखंड पे बहुत ही दुखद है, झारखंड जैसा गरीब राज्य में जहां इस तरह झारखंड इनके कृत्य से शर्मसार है और वही मौज मस्ती कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं वोटिंग करके, ये झारखंड जैसे राज के लिए बहुत ही दुखद विषय है. सर, जैसे वी हैव सीन दीज विजुअल्स, नाउ इट्स इन झारखंड, इससे पहले महाराष्ट्र में था, उससे पहले कर्नाटका में था. सो दैट रियली इज अ केस ऑफ द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक. बट सर, लास्टली लेट मी आस्क यू, द ऑपोजिशन ऑफ कोर्स इज क्लेमिंग दैट दिस इज ऑपरेशन लोटस. बीजेपी ने जो वो कह रहे हो, जो उन्होंने महाराष्ट्र में की थी, अब वो झारखंड में कर रहे हैं, वही वाला यू नो प्लॉट. मैडम आप भी समझिए, बीजेपी ने नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री अपने नाम पर आप लीज लो. एब्सोल्युटली बीजेपी नहीं कहा था अपने पत्नी के नाम पर आप लीज लो. बीजेपी ने नहीं कहा था कि आप अपने प्रेस सलाहकार को लीज में दो. बीजेपी ने यह नहीं कहा था कि अपने
प्रतिनिधि को, विधायक प्रतिनिधि को लीज में, ये लोकतंत्र है ये। जब जब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले से जो आजादी के 75 वर्ष गांठ में अमृत महोत्सव में जो देश को आह्वान किए थे कि ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये देश को काफी नुकसान किए, और झारखंड में जो परिवारवाद का कहना है कि जो सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं, डाउन ऑन मॉरल ग्राउंड्स, वो तो एब्सोल्युटली राइट है। बट अगर वो इवन इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड, करेक्ट, ही कैन स्टिल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर फॉर द नेक्स्ट 6 months, तो इट बॉइल्स डाउन टू अ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स। इसीलिए डज ही हैव द सपोर्ट, विल ही यूज द सपोर्ट ऑफ हिज एमएलएज एक्सेट्रा। इसीलिए ऑपोजिशन कह रही है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट, देयर इज अ स्क्रिप्ट दैट्स इन प्ले। वी सॉ जो कांग्रेस एमएलएज झारखंड में, वो उनको डिटेन की गई थी बंगाल में, हावड़ा, और उनके पास वॉज अ लॉट ऑफ कैश फाउंड इन देयर व्हीकल्स। सो ऑपोजिशन इज सेइंग, यू नो, दिस इज अ सिस्टम इन प्ले, क्लियरली दिस इज ऑपरेशन लोटस आफ्टर महाराष्ट्र, नाउ द एम इज झारखंड। नहीं, आज जो सरकार अपनी काली करतूतों के कारण मुसीबत में पड़ी है, और इसका एकमात्र जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी। तीनों जो एमएलए पकड़ाए कलकत्ता में, उनका बयान आपने सुना होगा, वो कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा रहे कि कांग्रेस पार्टी नहीं फंसाया। देखिए, इस सरकार से कांग्रेस के एमएलए हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हो, नाराज है। इस बात को आप समझिए, ये जो सत्तारूढ़ दल के अंदर नाराजगी है, उसको ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना चाहता है। अब अपने एमएलए को संभाल के रखो, कहीं ना कहीं आपके एमएलए आपके कार्य पद्धति से नाराज है, आपकी भाभी, उसके परिवार का अंग श्रीमती श्वेता सोरेन, वो लगातार ट्वीट कर रही थी कि इस राज्य में, झाबुआ राज्य में जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। और आज हम देख रहे हैं सब मौज मस्ती कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई बात नहीं है कुछ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और यूपीए बार बार विधायक को सुबह शाम अपने निवास में परेड क्यों करा? पहले तो इस तरह की बात नहीं थी कि शनिवार को हम चलो पार्किंग कराएंगे, आपको मौज मस्ती कराएंगे। असल में कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई राष्ट्रीय स्तर, अपने विधायकों को ये पारस जिस प्रकार अभी आपने देखा, जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो 50 वर्ष से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे, इस प्रकार राहुल गांधी पर आरोप लगाकर कांग्रेस को छोड़ने, तो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई, और झारखंड में भी कांग्रेस भगदड़ मची हुई है, और इसी डर से आप लोग कांग्रेस के विधायकों को बार बार घर में बुलाकर परेड करा रहे हैं, तो आप ले जा रहे हैं, मौज मस्ती करा रहे हैं, क्यों डरे हुए? अगर आप कोई गलती नहीं की, क्यों डरे हुए? आप पारसनाथ में क्या कर रहे हैं? आप पारसनाथ में क्या कर रहे हैं? ये परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस पार्टी जनसंघ काल के समय से ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर करती आ रही है। आप परिवारवाद पार्टी नहीं जानोगे, संगठन क्या चीज होता है? टूटने का डर है, परिवार के भक्ति में लीन रहो, राहुल गांधी के भक्ति में लीन रहो, सोनिया गांधी के भक्ति में लीन रहो।